भारत के लाल थे। वो सादा जीवन, उच्च विचार वाले गांधीवादी थे। उन्होंने लड़ी आजादी की लड़ाई। वो बने देश के दूसरे प्रधानमंत्री। उन्होंने दिया जय जवान जय किसान का नारा। उन्होंने सिखाया पाकिस्तान को सबक। हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ताशकंद में घुटने के बल आया पाकिस्तान, लेकिन ताशकंद से नहीं लौटे शास्त्री जी। ताशकंद में शास्त्री जी का निधन। क्या शास्त्री जी को दिया गया कोई जहर? उनका चेहरा नीला था, उनके यहाँ पे माथे पर सफेद दाग थे। चेहरे के नीला होने पे तो लोग कहते हैं कि बॉम्ब किया जाता है बॉडी को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन चेहरों पे जो माथे पर सफेद दाग थे, वो कुछ डॉक्टरों से हम लोगों ने उसमें बात की थी, मेरी माँ ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी देखा नहीं गया है हार्ट अटैक के केस में। तो ये सब चीजें हैं और इससे एक डाउट तो सबके मन में आज भी है। क्या शास्त्री जी के खिलाफ हुई कोई साजिश? देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद ये सवाल उठाया वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने। अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में कुलदीप नैयर ने शास्त्री जी की रहस्यमय मौत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 11 जनवरी 1966 की उस मनहूस रात के बारे में कुलदीप नैयर लिखते हैं, उस रात मैंने सपना देखा कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक से मेरी नींद खुल गई। गलियारे में खड़ी एक महिला ने कहा, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं हड़बड़ी में एक भारतीय अधिकारी के साथ शास्त्री जी के कमरे की तरफ दौड़ा। मैंने देखा सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन बरामदे में खड़े थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि शास्त्री जी नहीं रहे। बरामदे के पीछे डाइनिंग रूम में डॉक्टरों की एक टीम डॉक्टर आर एन चुग से पूछताछ कर रही थी, जो शास्त्री जी के साथ थे। तो मैं वहां पे पहुंचा तो बरामदे में वो खड़े थे कोसिगन। तो कोसिगन ने मुझे देखते ही कहा कि सो मैं जब आया तो एक खाने वाला कमरा और ड्राइंग रूम इकट्ठा था, उसमें खाने वाले टेबल पे रशियन डॉक्टर्स बैठे हुए थे और हमारे साथ डॉक्टर चुग गया था, वो भी बैठा हुआ था। तो वो भी उनको सवाल वाल कर रहे थे। तो मैं तो अंदर आया तो अब यहाँ पे कोई नहीं था, एक अकेले शास्त्री जी की बॉडी थी। जिस कमरे में लाल बहादुर शास्त्री ठहरे थे, उस कमरे का हाल भी कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है। शास्त्री जी का कमरा काफी बड़ा था, उनका बेड भी। उनके चप्पल कारपेट पर सही तरीके से रखे थे। कमरे के कोने में ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस लुढ़का पड़ा था। आधिकारिक फोटोग्राफर और मैंने शास्त्री जी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ा दिया और श्रद्धांजलि के साथ फूल चढ़ाए। ताशकंद में उनके रहने को लेकर जिसे कहना चाहिए सावधानी नहीं बरती गई, बल्कि लापरवाही बरती गई। जैसे उनके कमरे में घंटी नहीं होना, उनके कमरे में टेलीफोन नहीं होना, डॉक्टर का कमरा दूर एक बरामदे से होकर जाना पड़ता था, उनके कमरे में फ्लास्क रखा था, कोई जग नहीं था, पानी वो समय पर खुल नहीं पाया। शास्त्री जी की मौत से कुलदीप नैयर को गहरा झटका लगा था। उन्होंने तुरंत पता करना शुरू कर दिया था कि उस रात क्या हुआ था। इसके बारे में कुलदीप नैयर लिखते हैं, उस रात शास्त्री जी 10 बजे अपने कमरे में आए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी निजी सेवादार रामनाथ को खाना लाने को कहा। उनका खाना राजदूत टीएन कॉल के घर से आता था, जिसे खान सामा जान मोहम्मद पकाता था। उन्होंने आलू पालक की सब्जी और तरी वाली एक और सब्जी खाई। इसके बाद रोजाना की तरह उन्होंने एक ग्लास दूध पिया। खाने के बाद शास्त्री जी ने अपने नौकर रामनाथ को जाने के लिए कहा, क्योंकि सुबह काबुल जाने के लिए उन्हें जल्दी उठना था।
शास्त्री जी के इतना कहने के बाद उनके सहयोगियों ने सामान बांधना शुरू कर दिया। उस वक्त ताशकंद में रात के करीब 1:20 हुए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुलदीप नैयर लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अचानक अपने निजी सचिव जगन्नाथ सहाय के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ? इसके बाद उनके साथ के लोगों ने शास्त्री जी को पानी पिलाया और उन्हें उनके कमरे में ले गए। शास्त्री जी बेड पर लेट गए। इसके बाद जगन्नाथ सहाय ने उन्हें पानी का ग्लास थमाया और बोले, बाबूजी अब आप पूरी तरह ठीक हैं। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने सीने पर हाथ फेरा और बेहोश हो गए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री उठ नहीं पाए। 11 जनवरी 1966 की रात उनके लिए काल की रात साबित हुई थी। देश से बाहर देश के प्रधानमंत्री की मौत हुई थी, लेकिन जिन हालात में उनकी मौत हुई थी उस पर कई सवाल भी उठ रहे थे। ताशकंद में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता। पहली बार दुनिया ने हिंदुस्तान की सामरिक ताकत का एहसास किया था और छोटे कद के बुलंद हौसले वाले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताकत के पुतले साबित हुए थे। लेकिन इस ऐतिहासिक समझौते के बाद शास्त्री जी देश नहीं लौटे। लौटा तो उनका पार्थिव शरीर। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब दिल्ली लाया गया तो उसे देखकर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का माथा ठनका था, क्योंकि शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका था। कुलदीप नैयर ने उस वाक्य के बारे में लिखा है, ललिता शास्त्री ने मुझसे पूछा कि उनके पति का शरीर नीला क्यों पड़ गया था। मैंने जवाब दिया कि जब पार्थिव शरीर पर लेप लगाया जाता है तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद ललिता शास्त्री ने शास्त्री जी के शरीर पर कुछ कटे के निशान के बारे में पूछा। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन ललिता शास्त्री की एक बात से मैं बुरी तरह चौंका था। वो बात ये थी कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम ना तो ताशकंद में हुआ था ना दिल्ली में। हम सबको भी बड़ा लगा था कि क्यों बाबूजी का आधा यहाँ से लेकर ऊपर तक शरीर नीला पड़ा था, कहीं सफ़ेद सफ़ेद दाग था, नीला था, क्यों नीचे नहीं था? नीचे बल्कि पेट के पास उनका दो कुछ कट भी थे, कट को लग रहा था कि कुछ किसी ने काटा है या चीरा लगा है, क्यों लगा? जी हाँ, शास्त्री जी की मौत रहस्यमय हालात में हुई थी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। ललिता शास्त्री समेत पूरे परिवार का यही मानना था कि शास्त्री जी की मौत कुदरती नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें इस बात का भी मलाल था कि शास्त्री जी के दो सहयोगियों ने उस बयान पर दस्तखत करने से मना कर दिया था जिसमें लिखा था शास्त्री जी की मौत कुदरती नहीं थी। और एक संदेह इस बात से भी मेरी माँ को बहुत ज्यादा था, बल्कि मैं तो कहता उनको तो विश्वास ही हो गया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। और वो ये कि जो थर्मस, जिसका जिक्र कुलदीप नायर जी ने भी किया है, वो थर्मस साथ नहीं आया। शास्त्री जी के बाकी अपने इस्तेमाल करने वाली चीजें, वस्तुएं, जैसे उनका शेविंग किट, उनका उनकी टोपी, उनका चश्मा, ये सब तो साथ में आया, लेकिन वो थर्मस नहीं आया। 2 अक्टूबर 1970 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके परिवार ने उनकी मौत की जांच करने की मांग कर डाली। कुलदीप नैयर ने शास्त्री जी के परिवार की उस वक्त की भावनाओं के बारे में लिखा है, शास्त्री जी का परिवार इस बात पर नाराज था कि टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने उनका खाना क्यों बनाया, उनके अपने नौकर रामनाथ ने क्यों नहीं। शास्त्री जी की मौत के पीछे साजिश और उन्हें जहर देकर मारने की आशंका सिर्फ शास्त्री जी का परिवार ही नहीं जता रहा था, अखबारों में भी इसकी खूब चर्चाएं छप रही थीं। पुराने कांग्रेसी भी शास्त्री जी की मौत की जांच करवाने की मांग कर रहे थे।
आखिर क्या था शास्त्री जी की मौत का सच? क्या मौत के पीछे थी कोई साजिश? क्यों नीला पड़ गया था शास्त्री जी का शरीर? कैसे पड़े शास्त्री जी के शरीर पर कटने के निशान? आखिर शास्त्री जी की मौत से किसे फायदा हो सकता था? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ২০০৯ में एक वेबसाइट endthesecrecy.com के संचालक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के तहत शास्त्री जी की मौत के बाद विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच आई चिट्ठियों का ब्यौरा मांगा था। उन्होंने शास्त्री जी की जांच करने वाले डॉक्टर आर एन चुग की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी थी। विदेश मंत्रालय ने अनुज धर को जवाब दिया, जो सूचनाएं मांगी गई हैं, उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत जाहिर नहीं किया जा सकता। इस मामले में मॉस्को में भारतीय दूतावास के साथ पिछले 46 साल में कई बार चिट्ठियों के जरिए बातचीत हुई थी। इन चिट्ठियों में क्या कहा गया, इसका खुलासा करने से भी विदेश मंत्रालय ने इनकार कर दिया। मंत्रालय की दलील थी कि इससे देश की संप्रभुता, अखंडता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर खराब असर होगा। इससे पहले भी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसके पास शास्त्री जी की मौत के बारे में सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट को छोड़कर कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। ये मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर आर एन चुग ने तैयार की थी। मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि देश में लोगों को आज भी शंका है, देश आज भी इस बात से परेशान रहता है, जब पूछता है तो उसको लगता है कि शास्त्री जी की मृत्यु का रहस्य क्या है। तो अगर कुछ रहस्य की बात है और उनके मन में है लोगों के, तो सरकार है, अपनी सरकार है, इसको देखना चाहिए और इसका खुलासा कर देना चाहिए। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यही बताया है कि शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री बार बार कहती रही कि उनकी मौत जहर से हुई थी। उनका परिवार बार बार कहता रहा कि शास्त्री जी की मौत के पीछे कोई साजिश थी। ये तो संदेह है, मेरा खुद ऐसा है कि मैं भी डॉक्टरों की बात मान रहा हूँ, लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ये मान जाने से कि वो डॉक्टरों की सर्टिफिकेट सही थी, देश नहीं मानने वाला है। बहरहाल शास्त्री जी की मौत का आखिरी सच क्या था, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। विदेश मंत्रालय के पास मॉस्को दूतावास और रूस से विदेश मंत्रालय के साथ चिट्ठियों की आवाजाही, फोन कॉल्स और टेलीग्राम का ब्यौरा है, लेकिन मंत्रालय इसे जाहिर नहीं करना चाहता। जो भी हो, शास्त्री जी की मौत से जुड़े तमाम सवालों को अभी भी जवाब की दरकार है। सितंबर 1965, पाकिस्तान की सेनाओं ने जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ शुरू कर दी, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना ने हमला बोला तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, और इस ताकत के पीछे खड़े थे उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर लाल बहादुर शास्त्री की हिम्मत और जोश ने भारतीय जवानों में नई ताकत भर दी और पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। लाहौर भारतीय सेनाओं के निशाने पर आ गया, पाकिस्तान के हौसले पस्त होने लगे। 23 सितंबर 1965 संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देशों ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 3 जनवरी 1966 की सुबह सोवियत संघ में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। सोवियत रूस की पहल पर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम की संधि की ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची। रूस के प्रधानमंत्री कोसिजिन और विदेश मंत्री ग्रोमिको को इंतजार था भारत और पाकिस्तान के नेताओं का। पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान पहुंचे और थोड़ी ही देर के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे। ताशकंद में जब ठीक 4 बजे तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के साथ साथ रूस के प्रधानमंत्री और तीनों देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल में दाखिल हुए। पूरे जोश के साथ लाल बहादुर शास्त्री अपनी कुर्सी की ओर बढ़ गए और उनके सामने की तरफ अयूब खान ने अपनी कुर्सी संभाली। रूस के प्रधानमंत्री ने दोनों का स्वागत किया।
लाल बहादुर शास्त्री के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद की सराहना करते हुए भारत पाकिस्तान के रिश्तों को नई दिशा में ले जाने की बात कही। तालियों की कड़कड़ाहट के साथ भारत और पाकिस्तान नए रिश्तों की तरफ बढ़ चले। 10 जनवरी 1966 की शाम भारत और पाकिस्तान के नेता एक बार फिर आमने सामने थे। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने समझौते के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और रूस के नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसके कुछ देर बाद शास्त्री जी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए क्योंकि रात भी गहराने लगी थी, लेकिन फिर अपने पैरों पर चलकर लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। 11 जनवरी 1966, ताशकंद, रात 1:32। हिंदुस्तान का लाल ताशकंद में हमेशा हमेशा के लिए खो गया। सारी दुश्मनी भुलाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री के शव को कंधा दिया। हिंदुस्तान के जवानों को हिम्मत का पाठ पढ़ाकर हिंदुस्तानी मिट्टी के बहादुर लाल का शरीर देश की मिट्टी में ही मिल गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।